वशिष्ठ मंदिर मनाली। वशिष्ठ मंदिर मनाली का एक प्रमुख मंदिर है जो शहर से लगभग 3 किमी दूर स्थित है। आपको बता दें कि यह मंदिर वशिष्ठ नामक गांव में स्थित है जो अपने शानदार गर्म पानी के झरनों और वशिष्ठ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के पास स्थित गर्म पानी के झरने बेहद पवित्र माने जाते हैं और इनमें किसी भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति होती है। वशिष्ठ मंदिर आर्षि वशिष्ठ को समर्पित है जो भगवान राम के पारिवारिक गुरु थे। इस मंदिर का इतिहास वशिष्ठ मंदिर मनाली 4000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। मंदिर के अंदर धोती पहने एक साधु की काले पत्थर की मूर्ति स्थित है। वशिष्ठ मंदिर को लकड़ी पर उत्तम और सुंदर नक्काशी से सजाया गया है। इसके अलावा मंदिर के आंतरिक भाग को प्राचीन चित्रों से सजाया गया है। वशिष्ठ मंदिर के अलावा यहां एक और मंदिर स्थित है जिसे राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां स्थापित हैं। वशिष्ठ गुरु हिंदू धर्म के 7 आर्षियों में से एक हैं और गांव का नाम उनके नाम पर रखा गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार आर्षि वशिष्ठ इस बात से दुखी थे कि उनके बच्चों को विश्वामित्र ने मार डाला है। आर्षि वशिष्ठ ने नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन नदी ने उन्हें मारने से इनकार कर दिया। इसके बाद ऋषि ने यहीं गांव में नया जीवन शुरू किया। तो भाई लोग, यहाँ की जो भी स्टोरी थी मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया, और अब हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट प्यार से अपना ज़रूर छोड़ देना। तो चलिए चलते हैं यहाँ से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और आगे का आपको स्टोरी दिखाते हैं। तो भाई लोग, अभी इस मंदिर से हम निकल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और मार्केट में काफ़ी भीड़ है तो आराम से चलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, और फुल ढलान है पूरी, और इसको उड़ाया गया ऊपर और रस्सियों से बंधा हुआ पूरा। चेक कर सकते हो भाई कितना बड़ा है, यहाँ पे नीचे ग्राउंड सा बनाया हुआ है पूरा। मज़ा आता है भाई ये सब देख के ना।